खींच दिया, जो कि देख सकते हो। मैंने सेट को कॉल लगाया भाई, आ रहा है सेट, उसके बाद में बताएगा, जो कि ये देख सकते हो यहाँ से पूरा फट। उधर से आए? हाँ, इधर से आए, यहाँ से, यहाँ पर गाड़ी खड़ी। ड्राइवर साइड से, ड्राइवर साइड आ रहे हो यार, इतना अंदाजा नहीं है तुमको? जय जोहार, जय श्री राम। तो कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ बढ़िया होंगे, मस्त होंगे। तो हमारे नए ब्लॉग में स्वागत करता है आप लोगों का अजय भाई। तो दोस्तों, इस समय हम रायपुर मेटल पार्क टाटा शोरूम के पास में हैं, जो कि हमारी गाड़ी का कल काम हुआ था, तो काम उम करवा के अभी यहाँ पर खड़े थे। तो मैं खड़ा था भाई, उसके बाद में नाश्ता पानी जो रात का बचा हुआ था मैं कर रहा था। फिर क्या हुआ भाई, आप लोगों को दिखाते हैं सामने से, ठीक है? और यहाँ पर अपनी गाड़ी लगी हुई थी, तो वैसे भाई एक गाड़ी आई, ये वाली जो सामने में देख रहे हो, ये वाली गाड़ी, तो ये वाली गाड़ी ने भाई हमारे यहाँ पर खींच दिया, जो कि देख सकते हो। मैंने सेट को कॉल लगाया भाई, आ रहा है सेट, उसके बाद में बताएगा, जो कि ये देख सकते हो यहाँ से पूरा फट गया, पूरा खींच दिया भाई। यहाँ पर गाड़ी खड़ी थी, उतना जगह बचा था, उसके बावजूद भी वो लोग ऐसे दबा दिए। अब जा रहा है भाई, तो सीधा सीधा जाना चाहिए था, सीधा जाके काट लेता, नहीं तो उसने ना स्टेयरिंग दबा दिया, उसके बाद में इधर दब गई गाड़ी। अगर चिल्लाता भी नहीं ना तो ये लोग पूरा खींच देते हैं इसको इधर बाहर, देख रहे हो, नुकसान हो गया है काफ़ी, बेकार भी दिख रहा है यार, नई गाड़ी है यार ये, पूरा ऐसी के तैसी कर दिया तो क्या करें। फिर सेट को फोन लगाया भाई, आ रहा है, उसके बाद में डिसाइड करेगा भाई कितना रुपये लेगा, क्या करेगा, जो भी है जैसा भी है, हमको उसमें कोई लेना देना नहीं है, हमने तो बता दिया भाई ऐसा ऐसा बात है कह के, और वो भी टाटा की गाड़ी है। ये वाली गाड़ी है और इधर बैठे हुए वो लोग, सुबह सुबह दुर्घटना हो गई, नहीं सामने में यहाँ पर लगी थी गाड़ी यार, उतना जगह था, उसके बाद में मैं बोला भी कि नहीं घुसेगी, फिर भी घुसा दिया गाड़ी को, गलती उन लोगों की है भाई। देखते हैं सेट आ रहा है, फिर उसके बाद में पता चलेगा क्या होता है। नट बोल्ट में नहीं है, फिर उसको जो है वहाँ से टूटेगा, वो दुनिया भर का नक्का है। आप लोग ड्राइवर हो, दिखता है सीधा सीधा भी ले जाता ना भैया, तो नहीं लगता, ठीक है? ये क्या किया ना, तुरंत काट दिया, इसके वजह से हुआ ये। उधर से आए? हाँ, इधर से आए, यहाँ से, यहाँ पर गाड़ी खड़ी, ड्राइवर साइड से, ड्राइवर साइड आ रहे हो यार, इतना अंदाजा नहीं है तुमको? हेलो, टाटा एजेंसी मताब, क्या करे तुम, कौन से मिल रहा, बढ़िया वाला, कौन बारी वाला? हाँ, गड़िया लेके भाग गए। दोस्तों, लोडिंग के लिए निकल चुके हैं भाई हम लोग, क्योंकि वहाँ से पूरा क्लियर हो गया था, पैसा वैसा जो भी लगना था दे दुआ दिया है भाई डेंटिंग वाले को, और हम निकल चुके हैं लोडिंग के लिए। देखते हैं कहाँ की लोडिंग मिलती है, तो कंटिन्यू ब्लॉग पर बने रहो। और ये मेन चौक रायपुर का है, जो कि इस चौक का नाम है भनपुरी चौक, जो कि वहाँ पे लिखा हुआ है, देख सकते हो। तो अभी हमको इधर जाना है, और आगे सीधा चले जाएंगे तो सिटी वाला रास्ता है, जो कि पुलिस वाले लोग खड़े रहते हैं। टाटीबंध भिलाई दुर्ग राजनांदगांव नागपुर रोड, यही है दोस्तों, जो कि देख सकते हो। कितना खर्चा आया वो भी बताएंगे आप लोगों को, ठीक है? और हमको ये यहाँ पर ही जाना था, ज़्यादा दूर नहीं, यहाँ से जाना था, लेकिन क्या करें भाई, घुमा के लाना पड़ेगा गाड़ी को, क्योंकि इधर से रॉन्ग साइड हो जाता है ना, इसके वजह से पुलिस वाले देखते तो फिर पकड़ लेते हैं, इसके वजह से इस रोड में जाना है हमको।
दोस्तों पहुंच चुके थे भाई हम जहां पर हमारी गाड़ी लोडिंग होगी और एक जगह पे और थे, तो यहीं पर होगी अपनी गाड़ी लोडिंग। तो भाई क्या बताएं कितने बजे होगी सुबह के, मतलब यहां पर आए आए दिन के करीबन 2 बजने वाले हैं। कोई पता नहीं है लोडिंग वोडिंग की और कहां की लोडिंग है कोई पता नहीं है। ठीक है तो क्या करें भाई, गाड़ी में ही बैठे हुए। और एक बात आप लोगों में बता दूं भाई, अब से ये वाली गाड़ी अपन ही चलाएंगे, मतलब अपनी वाली गाड़ी और कोई चलाएगा और ये वाली गाड़ी अब मैं ही चलाऊंगा। ठीक है, आप लोग का भी भाई बहुत कमेंट था कि अजय भाई दूसरी गाड़ी चलाओ, कोई नई गाड़ी चलाओ। लो भाई नई गाड़ी चला रहे हैं। ठीक है, अब आपकी मर्जी के हिसाब से चल रहे हैं भाई। और क्या चाहिए आप लोगों को बताओ, है आप लोगों ने बोला था कि भाई नई गाड़ी में चलो, इसमें आवाज़ बहुत ज़्यादा आती है पुराने वाली में, तो इसी की वजह से भाई पुरानी वाली गाड़ी छोड़ दिए और नई वाली गाड़ी अब चला रहे हैं। ठीक है, आज ही पता चला है, आज ही पूछे तो बोला था कि भाई ठीक है इसी को चला लो, कोई दिक्कत नहीं है। तो आज से ये वाली गाड़ी चलाएंगे, तो अब से चालू कर देंगे भाई अपना, इसमें रेडियम वेडियम लगवाएंगे। और कमेंट करके बताना कौन सा कलर का रेडियम लगाएं, इसमें रेडियम लगवाएंगे, इसमें झालर लगवाएंगे और इसमें अपना घास उस लगवाएंगे, जो भी पर लगा देंगे ला के। ठीक है, जो हमने छोड़ रखा था उस गाड़ी में तो उसमें से ला लेंगे और लगा देंगे इसमें भाई, और पीछे में भी मैट लगा देंगे। ठीक है, और उसके बाद में भाई अपनी गाड़ी चकाचक हो गई। ठीक है दोस्तों, तो ऐसे ही करेंगे और क्या कर सकते हैं, और कोई तो चारा है भी नहीं। और बरसात भी हो रही है भाई धीरे धीरे, जो कि देख सकते हो थोड़ी थोड़ी गिर रही है। ये देखो देखते कितने बजे तक लोडिंग वोडिंग होती है, फिर उसके बाद में निकलेंगे भाई कहाँ की लोडिंग है और बताते हैं। कंटिन्यू ब्लॉग पर बनो, जितने बंदे नया चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन कॉल पर सेट कर देना, क्योंकि हमारी ट्रकिंग लाइफ से रिलेटेड और लाइफ से रिलेटेड वीडियो इस चैनल पे आते रहते हैं। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन कॉल पर सेट कर देना दोस्तों। ठीक है, तो अभी देखते कितने बजे तक के बाद में लोडिंग हमारी होती है। सुबह से हम यहाँ पर खड़े हैं लेकिन कोई पता नहीं है लोडिंग की। ठीक है, देखते हैं जैसा भी आप लोगों को बताते हैं। तो शाम के 5 बजे भाई हमारी गाड़ी फिर से एक दूसरी जगह पे लोडिंग में जा रही है, जो कि थोड़ा सा ही आगे है। तो यहाँ पर होगी अपनी गाड़ी लोडिंग, जो ये भैया जा रहे हैं सीधे सीधे इन्हीं के ही साथ में जाना है भाई, आगे में लोडिंग होगी। पूरी इंडस्ट्रिया है, मतलब यातायात भनपुरी चौक से अंदर आए हैं, इंडस्ट्रिया है मेरे ख्याल से। यहाँ पर होगी लोड, यही साइड में लगाते हैं, बैक करके ले जाना पड़ेगा लगता है भाई। डीजल भी अपना पूरा लाल हो गया है भाई, देख रहे हो। और अपनी गाड़ी का एवरेज 7.1, बढ़िया एवरेज देने चालू कर दी। जिस समय मैं इस गाड़ी पे चढ़ा था उस समय भाई 6.5 का एवरेज दे रही थी, और अभी 6+ हमने मतलब निकाल लिया है एवरेज, मतलब 7+1। बताओ भाई, चलाने चलाने की फ़र्क है दोस्तों और कुछ नहीं। बैक करेंगे अभी पीछे, देखते हैं कितना टाइम बुलाएगा भाई। फाइनली दोस्तों लोडिंग अपनी चालू हो चुकी है भाई, जो कि देख सकते हो पाइप लोडिंग हो रही है, 50 पाइप लोडिंग होगी। उसके बाद में मतलब इस सोलर वाला सेट लोडिंग हो रहा है हमारे में, जो इस सोलर फिटिंग होती है उन्हीं के लिए, ये बोर के लिए है, जो कि देख सकते हो बहुत ही पाइप है यहाँ पर, इधर से लोड हो रही है और बाकी ऐसे जाएगा 50 पाइप। देखते हैं भाई कितना टाइम तक लोडिंग हो जाए कम्प्लीट। तो फाइनली दोस्तों एक जगह से अपनी लोडिंग हो चुकी है और जो आधा बचा हुआ है वो कल सुबह दोपहर तक हो जाएगा, फिर उसके बाद में निकल जाएंगे भाई सफ़र में और बताएंगे आप लोगों को कहाँ की लोडिंग है। तो अभी यहाँ से बनपुरी वाला रोड पकड़ते हैं फिर से एक बार। ठीक है दोस्तों, तो रात का सीन कुछ इस तरह का दिखता है दोस्तों रायपुर का, जो कि देख सकते हो भाई। और हमारा ये वाला पंखा भी चालू हो गया यार, बढ़िया हवा चल रहा है, सब मैंने चालू कर लिया। मैं सोचा भाई बैठा हूँ तो क्या करूँ, ये भी बढ़िया चालू हो गया, मस्त मस्त हवा लग रहा है।
ये सामने में आ गया दोस्तों चौक भनपुरी का, जो आपको सुबह में दिखाया था, मतलब दिन में दिखाया था, वही वाला चौक आ गया है। तो भाई जाम कैसा लगा हुआ है, आगे सिग्नल बंद हो गया है लेकिन कार वालों ने ऐसा डाल दिया है भाई, पूरा जाम लगा दिया, देख रहे हो, ये देखो। जा भाई तू भी जा, तू भी जा, उधर से गाड़ी आ रही है तो भाई अपन को रोक के रखना चाहिए ना, ये गलत बात है भाई। दोस्तों मैं रुका हूँ भाई खाना वाना खाने के लिए, क्योंकि भाई जहाँ पे मैं जा रहा हूँ अंदर वहाँ पर खाना पीना नहीं मिलेगा, तो मेन रोड पे ही खा लेता हूँ खाना। खैर मैं बनाने का मूड था लेकिन भाई सामान कुछ नहीं है, इसके वजह से भाई खाना पीना यहीं से खा के चलते हैं, फिर उसके बाद में चलेंगे। और दिखाता हूँ आप लोगों को मैं बाहर से थोड़ी गाड़ी को अपनी, ठीक है। तो ये देखो तो आगे भाई अपना खाना, जो कि भाई अंडा भुजी तरी आज का, देखो खाते भाई फिर उसके बाद में निकलेंगे। तो दोस्तों ऑलमोस्ट पहुंच चुके हैं जहां पर अपनी गाड़ी सुबह लोड होगी, इसी में से जो स्ट्रक्चर है, राड है, यही सब लोडिंग होगी कल सुबह। तो अभी जा रहे हैं भाई आराम करने के लिए, और गर्मी बहुत ज़्यादा ही लग रही है यार, क्या करें, लेकिन मच्छर भी यहां पर काट रहे हैं, तो सब शीशा उसे भी लगा दिए हैं जो कि देख सकते हो, अगर शीशा खोल देंगे तो इतने मच्छर अंदर आ जाएंगे ना पूछो मत। तो भाई राम राम करते हैं और आज का ब्लॉग यहीं पर एंड करते हैं, फिर से नए ब्लॉग में मिलते हैं, जब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, टाटा, बाय बाय।